बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। वेलकम टू दार एकम स्कूल, फैसलाबाद रीजन। बिफोर स्टार्टिंग वर्क वी रिसाइट दुआ। रेज योर हैंड फॉर दुआ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शराह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हु कौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। स्टूडेंट्स, हदीथ ऑफ द डेज, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सौमु जुन्ना। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोज़ा ढाल है। प्यारे बच्चों, आपको पता है रोज़ा, हम रोज़े जो है हम किस महीने में रखते हैं? रमज़ान के महीने में हम रोज़े रखते हैं, जो अल्लाह पाक ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं। और रोज़े की जो टाइमिंग है वो क्या है? सुबह फजर से लेकर मगरिब के बाद जब अज़ान होती है तो हम इफ्तारी करते हैं। तो रोज़ा किस तरह ढाल है ये देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, रोज़ा ढाल है। तो ढाल किस तरह है? जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे अंदर तकवा पैदा होता है, हम भूख को बर्दाश्त करते हैं। और रोज़ा हमारे लिए ढाल इस तरह है कि वो जहन्नम की आग से हमें बचा कर रखेगा। रोज़े के बारे में हदीस कुदसी भी है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। हदीस कुदसी का मतलब पता है प्यारे बच्चों क्या होती है? हदीस कुदसी वो होती है जो अल्लाह पाक के अल्फाज हों और उनको जो कहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो हमें माह रमज़ान के रोज़े जो हैं वो नमाज के बाद, ये भी हम पर फ़र्ज़ हैं, ये भी रखने हैं हमने। क्लियर? इंशाल्लाह ताला। ओके स्टूडेंट्स, और लेक्चर नंबर इज़ 24, एंड ओपन योर इंग्लिश बुक फ्रॉम योर बैग। गुड, ओपन द बुक पेज नंबर 3, बुक पेज नंबर, बुक पेज नंबर 3+4 की हम रीडिंग करेंगे आज, ठीक है? द टॉपिक ऑफ पेज नंबर 2 and 3, यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ ए एंड एन। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो बहुत मज़े की है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको बोर्ड पे जो है वो हाउसेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस कॉन्सोनेंट हाउस एंड सेकेंड वाउल्स हाउस। How many consonants are there? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21. How many consonants are there? 21. And how many vowels, letters are there? 1, 2, 3, 4, 5. Vowels, letters are 5. जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बोर्ड पे दो हाउस जो हैं नज़र आ रहे हैं। एक जो हाउस है वो कॉन्सोनेंट्स का है और एक जो है वो वाउल्स का हाउस है, ठीक है? इन दोनों हाउस में एक एक रूम जो है वो एम्प्टी है। ये बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए दार एकम में जाते थे, ठीक है? ये छोटे बच्चे थे, इनके साथ कोई बड़ा रहने वाला नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, और इसी तरह इनके स्कूल में जो टीचर थे वो एक थे सर ए एंड सर एन। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो क्या किया जी, इनके पास एक एक रूम एम्प्टी था, इन्होंने सोचा कि हम हमारा जो एक एक कमरा खाली जो है तो हम क्या करें, रेंट पे दे देते हैं। और रेंट पे रहने के लिए जो उनके पास थे जी, अंकल ए एंड अंकल एन, ये दोनों आए। ठीक है, पहले अंकल ए जो थे ना वो इस हाउस में गए, जब वो यहाँ पर रहने लगे तो इन्होंने देखा कि अंकल ए की जो बिल्कुल शक्ल है वो उनके भाई ए से मिलती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर हमें पहचानने में मुश्किल होगी, हम कैसे कैसे पता करेंगे कि हमारे भाई कौन से हैं और ये अंकल कौन से हैं। तो क्या किया, वहाँ पर उन्होंने अंकल ए को वो रूम नहीं दिया। ठीक है, तो अंकल ए कॉन्सोनेंट हाउस में चले गए, तो यहाँ पर इन्होंने हंसी खुशी जो था वो एक रूम दे दिया जी। अब रह गए अंकल एन, तो अंकल एन ने क्या किया, जब वॉल्स के पास एक रूम एम्प्टी था, ये उनके पास गए और अंकल एन इस रूम में शिफ्ट हो गए। तो प्यारे बच्चों, आप पता क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स हाउस के जितने भी ये स्मॉल स्मॉल से स्टूडेंट्स हैं ना, ब ख ड फ ग ह ज ख ल न प ख स ठ यस वी व डब्ल्यू वो एक्स क्स वाई जी एंड जी ज यस, कॉन्सोनेंट्स हाउस के जितने भी ये बेबी थे, जब जब जाते थे बाजार, कहीं भी इन्होंने जाना होता था, मार्केट में जाना था, किसी भी फंक्शन पे जाना है, तो ये साथ अंकल ए को लेकर जाते थे। ठीक है, अब जब कहीं भी कहीं जाते हैं ये लोग, तो ये साथ अंकल ए को लेकर जाते हैं। और इस तरफ दूसरा देखें, AEIOU, ए साउंड ए, ई साउंड ए, आई साउंड ई, ओ साउंड ओ, यू साउंड अ, इनके साथ अंकल एन रहते हैं। अब जब कहीं भी ये जाते हैं, जिस तरह ये कॉन्सोनेंट्स के जो बेबीज हैं कहीं जाते हैं, तो उनके साथ अंकल ए जाते हैं। और वाउल्स हाउस के जितने भी ये जाते हैं स्टूडेंट्स, या जितने भी बच्चे होते हैं, ए ई आई ओ यू, जब कहीं जहाँ कहीं भी जाते हैं, इनके साथ कौन जाते हैं, अंकल एन। क्लियर स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज यूज ऑफ ए एंड एन। वी यूज ए विद कॉन्सोनेंट्स लेटर्स एंड वी यूज एन विद वाउल्स लेटर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके गुड। स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज यूज ऑफ ए एंड एन। देर आर फ्यू पिक्स एंड फ्यू वर्ड्स, सो सिलेक्ट ए एंड एन फ्रॉम देयर एंड राइट इन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट पिक ऑफ अम्ब्रेला, वर्ड अम्ब्रेला स्टार्ट विद लेटर यू। यू इज वाउल्स ऑन कंसोनेंट, यस यू इज वाउल्स। How many vowels letters are there? Five. Five. A, E, I, O, U. Five letters. U is vowels letter. So we write here an. An. Clear? An umbrella. And next pick of yes, what is it? Star. S T R, star. Let us start with start the letter S. S is vowels or consonant? Consonant. What we use there? A or N? A. Good. Right here, star. An umbrella, a star. What is it? Yes, ball. Ball. Word ball start with letter B. B is a consonant or vowels? Yes, consonant. So we write here an or a. 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 A ball. A ball. An umbrella, a star, a ball,
एंड व्हाट इज इट? यस, ऑक्टोपस. ऑक्टोपस, वर्ड ऑक्टोपस विल स्टार्ट लेटर ओ एंड ओ इज वाउल्स लेटर, सो वो राइट हियर एंड एंड ऑक्टोपस एंड ऑक्टोपस. स्टूडेंट्स रिपीट दिस वर्ड विद मी. एंड अम्ब्रेला, अ स्टार, अ बॉल एंड ऑक्टोपस. वर्ड अम्ब्रेला स्टार्ट विद लेटर यू, यू इज अ वॉल्स लेटर, सो दैट्स वाई वी यूज हेयर. एंड वर्ड स्टार स्टार्ट विद द लेटर एस, एस इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी राइट हेयर अ स्टार. बॉल, वर्ड बॉल विद द लेटर बी एंड बी इज कॉन्सोनेंट, सो वी राइट हेयर अ बॉल. एंड नेक्स्ट लास्ट पीक ऑफ ऑक्टोपस, वर्ड ऑक्टोपस स्टार्ट विद लेटर ओ एंड ओ इज वॉल, सो दैट्स वाई वी यूज हेयर एन. Now students, open your English workbook and take a pencil in your hand. Open the workbook page number 63 and topic of this page is myself. Myself. Here is a boy. He is telling you about himself. Okay, first line is my name is, he says my name is, for example he is Ahmed, so we write here his name, but you write your name on your workbook, clear? My name is, he says my name is Ahmed. And at the end we mark a full stop. I am a, students tell me he is boy or girl? Boy. He says I am a boy. And third, I am dash years old. Ahmed says I am 7 years old, and you write according to your age on your notebook, workbook. I am 7 years old. Next line, I have dash brother. Ahmed has only one brother. So right here, he says I have one brother. And next, I have dash sister. Ahmed says I have one sister, but you write your according to your brother and sister strength. Clear? I have one sister. Students repeat this line with me. My name is Ahmed. Students, you write your name on your workbook. Clear? My name is Ahmed. I am boy. I am 7 years old. I have one brother. I have one sister. Okay, students, next. My school name is Ahmed read in Dar al-Ikam school. And you also read in Dar al-Ikam school. So right there. Sorry, my school name is Dar-e Arkam. We write here Dar-e Arkam dash E dash Arkam. My school name is Dar-e Arkam at the end, full stop. And next, last line, I like to eat. Yes. Do you like pizza? Pizza is junk food. I like to eat, Ahmed like to eat mango. So I write here mango because Ahmed like mango. Mango is a summer fruit. It's very delicious and so sweet. Students,
टुडे वी रीड अबाउट यूज ऑफ ए एंड एन एंड वी राइट देयर माई सेल्फ. स्टूडेंट लर्न दिस पेजेस एक्टिवली. टेक योर सेल्फी. मानेला.